हेलो एवरीवन, आईसीएसआई की तरफ से एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट आई है। आज की ही अपडेट है। इस अपडेट के अंदर ये बोला गया है, ये अपडेट किसके लिए? सबसे पहले ये अपडेट सीएसईटी वाले स्टूडेंट्स के लिए, और सीएसईटी में भी जो स्टूडेंट्स मई में अपना एग्जामिनेशन दे रहे हैं, जिन स्टूडेंट्स ने कैरी फॉरवर्ड कर लिया, ऑप्ट आउट कर लिया, उनके लिए ये नोटिस नहीं है। ये नोटिस उन स्टूडेंट्स के लिए जो मई के अंदर अपना एग्जामिनेशन देने वाले हैं। कौन सा एग्जामिनेशन देने वाले हैं? सीएसईटी एग्जामिनेशन देने वाले हैं। एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए गए। आईसीएसआई ने इस नोटिस के थ्रू क्या बोला है, एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए गए और उसका प्रोसीजर एक्सप्लेन करा है। अगर किसी स्टूडेंट को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है मई सीएसईटी एग्जामिनेशन के लिए, तो वो इन दो में से किसी भी लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, ये दोनों लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तुम इस पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। पर एक चीज़ का ध्यान रखना, डाउनलोड कब से कर सकते हो? आज डाउनलोड करोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसमें साफ साफ मेंशन कर रखा है 29th of April से। ठीक है, 29th of April को, दैट इज कल, तुम 2 बजे बाद अपना एडमिट कार्ड इन दोनों लिंक्स पर आके क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए तुम्हें दो चीज़ चाहिए। एक तो तुम्हें यूनिक आईडी चाहिए। यूनिक आईडी जब तुमने रजिस्ट्रेशन करा होगा तो आईसीएसआई वालों ने तुम्हें मेल और मैसेज के थ्रू एक यूनिक आईडी सेंड करी होगी, वो तुम संभाल के रख लेना, और डेट ऑफ बर्थ तो तुम्हें पता ही होगा। इन दोनों चीज़ों को डाल के तुम अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो कल 2 बजे बाद, 29th April को 2 बजे बाद से डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तुम्हारी एंटायर सीएस जर्नी में जितने नोटिफिकेशन है सबसे पहले इस चैनल पे प्रोवाइड करे जाते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।